नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं करवा चौथ की व्रत की कथा और कहानियाँ। चार कथाएं इसमें कही जाती है, उन चारों कथाओं को हम आप लोगों को सुनाएंगे। तो कृपया आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसी वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, घंटी वंटी बजा दीजिएगा, जिससे मेरी अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये कहानियाँ थोड़ी सी भी अच्छी लगे माता करवा चौथ की, तो वीडियो में कमेंट अवश्य करना और जय माता लिखकर जरूर जाइएगा। तो चलिए हम पहली कहानी आप लोगों को पढ़कर सुनाते हैं। एक साहूकार था जिसके सात बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, उसकी बहुओं और बेटी ने व्रत रखा था। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर ले। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद के निकलने तक बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहां उसके एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलने की ओट कर दी, जिससे वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। फिर शेष भाई अपनी बहन को उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगे, बहन देखो चांद निकल आया है, चलकर उसे अर्ध दे दो। बहन अपनी भाभियों से बोली, चांद निकल आया, चलो अर्ध दे दे। भाभिया बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्ध दे दिया। उसके बाद जब वह खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर करते ही उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई भी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला वह सबके पांव लगी, सबने उसे यही आशीर्वाद दिया, तुम सात भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो, सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद खड़ी थी, वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, दूधो नहाओ, पोतो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते अगहन मार्गशीर्ष की चौथ आई तो वह चौथ माता से बोली, हे माता आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया, पूस पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले महीने पूस पौष की चौथ आई और वह भी यही कहकर चली गई, आगे आने वाली चौथ से कहना। इस प्रकार से माघ फाल्गुन चैत वैसाख जेठ आषाढ़ श्रवण भादो की चौथ आई और चली गई। फिर जब असौज अश्विन की चौथ आई तो उसने बताया, कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापस कर सकती है, वह आए तो उसे विनती करना। फिर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश जी अप्रसन्न हो गए और इसी कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई है। अब यदि तुम पुनः पूरे विधि विधान के साथ में यह व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा निकल आने पर उसे अर्घ दिया। इससे गणेश जी प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा से करवा माता ने अपने टीके में से रोली लेकर उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठ खड़ा और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, पूरे 12 महीने सोए हो, आज गणेश जी और करवा माता की कृपा से उठे हो। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से उसके पति को आयु प्रदान की वैसे ही हमारे पति को दीर्घ आयु प्रदान करना। जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस कथा
कथा को पढ़े या सुने उन सबके पतियों को दीर्घायु प्रदान करना, सबको उत्तम फल देना। तो दोस्तों ये पहली कथा यहाँ पर समाप्त हुई। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा। बोलो गणेश भगवान की जय, करवा चौथ माता की जय। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबत पहले से ही थी और अब अर्जुन भी तप के लिए चले गए। इससे शोक विहल होकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण ने उपस्थित होकर पूछा, बहन तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे कष्टों के विषय में आप स्वयं जानते ही हैं। मुझे कष्टों के बोझ ने विहल कर दिया, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था। तब शिव जी ने करवा चौथ के व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, फिर तो मुझे भी करवा चौथ के व्रत की जानकारी प्रदान कीजिए और उसकी कथा को कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, दुख सुख तो इस संसार के अटल नियम हैं और प्रत्येक प्राणी इनमें सदा ही लिप्त रहता है। दुख के बाद में सुख और सुख के बाद में दुख तो निरंतर चलते ही रहते, इसीलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए और मन में सदैव उत्साह बनाए रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनको करने से दुख प्राप्त होने लगते हैं और सुखों की प्राप्ति होने लगती है। इसी प्रकार का एक उपाय है करवा चौथ का व्रत करना। अब मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुड़ी विद्वान धर्म परायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके चार तथा एक गुणवती नामक पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्र उदय होने से पूर्व ही उसे क्षुधा ने व्याकुल कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लकड़ी ने उसी को असली चंद्रमा समझकर उसे अर्घ दे दिया और फिर भोजन कर लिया। उस लड़की के भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उसे देखा, अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हारे करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व ही भोजन कर लेने के कारण ही तुम्हें यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय पूर्वक पूछा, हे माता, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन ही दिया था तो उसका पति पुनर्जीवित हो गया। इस पर कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सुहाग प्राप्त किया। इस प्रकार से कथा कहकर श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारा अर्जुन से मिलन होगा और तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर द्रौपदी ने भी यह व्रत किया और इसके प्रभाव से उनका अर्जुन से मिलन हुआ और पांडवों के सभी कष्ट दूर होकर वह सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। तो दोस्तों यहाँ पर समाप्त हुई दूसरी कथा। अब हम श्रवण करेंगे तीसरी कथा, करवा चौथ माता की। बोलो गणेश भगवान की जय। दोस्तों इस कथे में है, एक ब्राह्मण परिवार में सात बहुएं थी। छह बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण से ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु सबसे छोटी बहू के मायके में कोई न था, इसी कारण से उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। वह अकेली ही घर का सारा काम काज करती थी, लेकिन फिर भी उसे कोई प्यार नहीं करता था और सभी उसे दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी उसके मायके से कोई नहीं आता था, इसीलिए ससुराल के लोग उसे प्रताड़ित करते थे और इससे वह बहुत दुखी ही होती थी। इसी तरह से उसके दिन कटते। फिर एक दिन करवा चौथ का त्यौहार आया। इस अवसर पर अन्य सभी बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी बहू के मायके में कोई भी नहीं था तो फिर करवा कौन लाता? सास भी छोटी बहू को ही खरी खोटी सुना रही थी। इससे वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। वहीं पर एक नाग अपने बिल में रहता था। वह बहुत देर तक उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और उससे पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ का त्योहार है। इस त्योहार पर सभी भाई अपनी बहनों के लिए करवा लेकर आते हैं, लेकिन मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। यदि मेरा भी कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को उस पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम अपने घर जाओ, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ।
इतना सुनकर छोटी बहू अपने घर आ गई। थोड़ी देर बाद जब वह नाग भी मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर जा पहुंचा, उसने सास से कहा, हे माता जी, मैं इस छोटी बहू का दूर का भाई हूँ। मैं बहुत वर्षों के बाद मैं वापस आया हूँ, इसीलिए अब अपनी बहन से मिलने आया। इतना कहकर उसने छोटी बहू को करवा दिया और उसके सास ससुर का अन्य लोगों का भी विभिन्न प्रकार के उपहार दिए। इतना अधिक सम्मान देकर सभी लोग चकित रह गए। सास भी अत्यंत प्रसन्न हो गई। तब नाग ने सास से कहा, हे माता जी, मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तब सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को उसके साथ में भेज दिया। वास्तव में वह नाग सभी नागों का राजा था। वह छोटी बहू को अपने महल में ले गया और उसे सारा महल दिखाकर बोला, हे बहन, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो। इस पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद का ढक्कन मत खोलना। छोटी बहू उस महल में आराम से रहने लगी, लेकिन नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती ही गई। एक दिन जब महल में कोई न था, उसने नाद का ढक्कन खोल देखा तो पाया कि उस नाद में नागों के अनेकों छोटे छोटे बच्चे इधर उधर रेंग रहे थे। यह देखकर उसने जल्दी से नाग ढक दी, लेकिन उसकी जल्दबाजी में एक सांप की पूंछ उस नाद के ढक्कन के नीचे आकर कट गई। शाम को जब नाग राजा वापस आए तो छोटी बहू ने उसे सारी घटना बता दी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नाग राजा ने उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। इतना धन पाकर छोटी बहू के ससुराल के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और छोटी बहू की ससुराल में बड़ी इज्जत होने लगी। उधर जिस नाग की पूंछ कटी थी, अन्य सभी नाग उसे बांडा बांडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी पूंछ कैसे कटी है? माँ ने कहा, छोटी बहू के द्वारा नाद का ढक्कन उठाने और जल्दी से रख देने में ही तुम्हारी पूंछ कटी। तब वह बोला, मैं छोटी बहू से बदला लूंगा। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा गलती से हो गया था, छोटी बहू ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, लेकिन वह नाग नहीं माना। एक दिन वह नाग चुपचाप छोटी बहू के घर में जाकर छुप गया और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। तभी वहां पर छोटी बहू तथा उसकी सास आई और आपस में बातें करने लगी। सास ने पूछा, बहू, तुझे सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? तब छोटी बहू ने कहा, मुझे तो बांडा भैया ही सबसे ज्यादा प्यारा है। बांडा ने जब यह बात सुनी तो वह अपने मन में सोचने लगा, जो बहन मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे ही काटने आया हूँ, मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे यह पाप करने से बचा लिया। इतना सोचकर वह अपने घर को वापस चला गया। जब वह वापस अपने घर पहुंचा तो उससे उसकी माँ ने पूछा, तुम छोटी बहू से अपना बदला ले आए? बांडा कहने लगा, माँ, वह तो मुझे बहुत प्रेम से स्मरण करती है और मुझे भैया कहकर पुकारती है, इस प्रकार से तो वह मेरी बहन हुई, अपनी बहन से कोई बदला थोड़ी ही लिया जाता है। इस प्रकार से वह बांडा नाग और छोटी बहू भाई बहन बन गए। तभी से बांडा भाई प्रत्येक वर्ष करवा चौथ के दिन अपनी बहन के लिए करवा लेकर जाता। बहन भी बड़ी प्रसन्नतापूर्वक करवा चौथ का व्रत करती थी। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप छोटी बहू को अपनी ससुराल में मान सम्मान मिलने लगा और सभी सुख प्राप्त हुए। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से छोटी बहू को उत्तम फल प्रदान किए, उसी प्रकार से हमें भी उत्तम फल प्रदान करना। दोस्तों, यहाँ ये समाप्त हुआ तीसरी कथा। अब हम इसके आगे श्रवण करेंगे चौथी कथा। चौथी कथा बहुत ही छोटी है, आप लोग उसे पूरा ध्यान से सुनना। प्राचीन काल में एक गांव में करवा नाम की एक पति व्रता स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर उसे पानी में घसीटने लगा। तब वह मनुष्य करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। अपने पति की आवाज सुनकर करवा दौड़ कर आई और उसने अपने पति व्रत धर्म के प्रभाव से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधने के बाद वह यमराज के पास पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः इस अपराध में आप उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ और उसके बंधन से मेरे पति को छुड़ाओ। यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, अभी उस मगरमच्छ की बहुत आयु शेष है, अतः मैं उसको नहीं मार सकता। इस प्रकार करवा ने कहा, हे यमराज, यदि आप उस मगरमच्छ को दंडित नहीं करेंगे तो मैं श्राप देकर इस समय संसार को नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज ने कहा, तुम अवश्य ही अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से इस संसार को नष्ट करने में सामर्थ हो, लेकिन इस संसार को नष्ट कर देने से सृष्टि के नियमों का उल्लंघन होगा, इसीलिए इस सृष्टि की रक्षा के लिए
लिए उस मगरमच्छ को दंड देना ही उचित होगा। तब यमराज उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ नदी पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना, हमारे पतियों को दीर्घायु प्रदान करना। बोलो करवा माता की जय। तो दोस्तों, यहाँ पर संपूर्ण चारों कहानियां समाप्त हुई। आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी ये कहानियां अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय करवा माता अवश्य लिखना। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।